हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजक्टाइवा की। दोस्तों, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ, एक कह सकते हैं आप, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको यार वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे तो यार इसको लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मैं ऑप्टोमेटिक से रिलेटेड मैं कई सारी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल में लर्न अबाउट ऑप्टोमेट्री के नाम से, और उसका नाम मुझे ऑल अबाउट ऑप्टोमेट्री करना है, वो एक बात अलग है। लेकिन उसमें आपको कई सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड है। अगर आप इसमें नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अगर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंजक्टाइवा एक ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगला पॉइंट है, ये पलकों के पीछे यानी कि जो हमारी अपर आईलिड और लोअर आईलिड होती है उसके पीछे और पूरी आईबॉल के ऊपर स्क्लेरा को कवर करके रखता है। अगला पॉइंट है कि इसे कंजक्टाइवा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारी आईबॉल को हमारी आईलिड से जोड़ के रखता है, मतलब आई बॉल को हमारी आईलिड से जोड़ता है, और ये लिड मार्जिन से लिम्बस तक फैला हुआ होता है। द कंजक्टाइवा इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं कंजक्टाइवा के। सबसे पहला है पल्पेबल कंजक्टाइवा, दूसरा है बल्बर कंजक्टाइवा, और तीसरा है कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्पेबल कंजक्टाइवा की। तो अब पल्पेबल कंजक्टाइवा को भी अगर सब डिवाइडेड किया जाए तो इसके अंदर भी हमको थ्री पार्ट्स और मिलेंगे। तो सबसे पहला है मार्जिनल, दूसरा है टार्सल, एंड तीसरा है ऑर्बिटल। तो अब हम बात करते हैं मार्जिनल कंजक्टाइवा की। तो मार्जिनल कंजक्टाइवा ये आई लिड के पीछे लिड मार्जिन से स्टार्ट होती है और ये 2 mm की होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्किन एंड कंजक्टाइवा प्रॉपर के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। अब बात करते हैं टार्सल कंजक्टाइवा की। तो टार्सल कंजक्टाइवा एक थिन लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, और ये हाईली वेस्कुलर लेयर है। इसमें जो टार्सल प्लेट है वो अपर लिड को पीछे की तरफ पूरा का पूरा कवर करता है, लेकिन जो लोअर लिड है उसको सिर्फ आधा कवर करता है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल कंजक्टाइवा की। ये पल्पेबल कंजक्टाइवा में टार्सल प्लेट और फॉर्निक्स के बीच में होता है। अब कंजक्टाइवा के सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है बल्बर कंजक्टाइवा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है, ये कंजक्टाइवा की बहुत पतली लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। और ये कंजक्टाइवा हमारी जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा का मतलब है ये जो वाइट एरिया जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो ये कंजक्टाइवा स्क्लेरा के ऊपर चढ़ी हुई होती है और इसको आसानी से मूव भी कर सकते हैं। कई सारी सर्जरियां ऐसी होती है जिसमें हमें इस कंजक्टाइवा को हटाना पड़ता है, यानी कि इसको मूव करना पड़ता है। तो इसको काट के आराम से इसको हटा भी सकते हैं, और अगर हटाएंगे नहीं तो फिर आगे सर्जरी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हटाना पड़ता है। अगला पॉइंट ये है कि इसको एपिस्क्लेरा टिश्यू और टेनॉन्स कैप्सूल के द्वारा एंटीरियर स्क्लेरा से अलग किया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि कॉर्निया के चारों तरफ जो 3 mm की बल्बर कंजक्टाइवा होती है उसे लिम्बल कंजक्टाइवा बोलते हैं, जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन जो होता है लिम्बस, वहाँ पर जो कंजक्टाइवा होती है, मतलब कि वहाँ पर जो बल्बर कंजक्टाइवा होती है उसको लिम्बल कंजक्टाइवा बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि टेनॉन्स कैप्सूल और एपिस्क्लेरल टिशू ये दोनों एक डेंस कनेक्टिव टिशू से जुड़े होते हैं, जो कि कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन को स्ट्रॉन्गली कवर किए होते हैं। अगला जो पार्ट है कंजक्टाइवा का उसका नाम है कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। पल्पेबल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा जहाँ पर मिलते हैं उस पार्ट को, यानी कि उस एरिए को कंजक्टाइवल फॉर्निक्स बोलते हैं। और इसको सब डिवाइडेड किया जाए तो इसके चार पार्ट होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल फॉर्निक्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा कंसिस्ट ऑफ 3 layers, एपिथीलियम, एडिनॉइड लेयर एंड फाइब्रस लेयर। तो अब बात करते हैं एपिथीलियम की। तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं जिसमें से पहला है मार्जिनल कंजक्टाइवा। इट हैज़ 5 layered स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और टाइप ऑफ एपिथीलियम। दूसरा है टार्सल कंजक्टाइवा। इट हैज़ 2 layered एपिथीलियम, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स एंड अ डीप लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अगला है फॉर्निक्स एंड बल्बर कंजक्टाइवा। इट हैज़ 3 layered ऑफ एपिथीलियम, अ सुपरफिशियल लेयर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स, मिडिल लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स एंड अ डीप लेयर ऑफ
क्यूबॉइडल सेल्स। अगला है लिम्बल कंजक्टिवा। इट हैज अगेन मेनली 5 to 6 लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टिवा का जो अगला पार्ट है वो है एडिनॉइड लेयर। इसका पहला पॉइंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फॉइड लेयर। दूसरा पॉइंट है इसका ये फाइन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। अगला पॉइंट है ये लेयर सबसे ज्यादा फॉर्निक्स में डेवलप होती है। जो कंजक्टिवल फॉर्निक्स होता है ये सबसे ज्यादा वहीं पे डेवलप्ड होती है और ये लेयर बर्थ टाइम में नहीं होती है। इसको डेवलप होने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए जो बेबीज होते हैं अप्रॉक्स 3 to 4 months उनमें कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। अगली जो लेयर है वो है फाइब्रस लेयर। यह मेसवर्क ऑफ कॉलेजिनस एंड इलास्टिक फाइब्रस से मिलकर बना हुआ होता है। अगला पॉइंट है ये लेयर टार्सल कंजक्टिवा के मुकाबले बहुत पतली लेयर होती है और अगर इसको कंपेयर करें एडिनॉइड लेयर से तो वहाँ पे ये लेयर थोड़ी सी थिक होती है। अगला पॉइंट है इस लेयर में कंजक्टिवा की वेसल्स एंड नर्व्स होती है। और अगला पॉइंट है ये बल्बर कंजक्टिवा के एरिया में टेनॉन्स कैप्सूल के साथ मिला हुआ होता है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा की। द कंजक्टिवा कंटेन्स 2 types ऑफ ग्लैंड। पहला है म्यूसिन सिक्रीटरी ग्लैंड एंड सेकेंड है एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। तो पहले हम बात करते हैं म्यूसिन सिक्रीटरी ग्लैंड की। इसमें गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एपिथीलियम के अंदर लोकेटेड होता है। अगला पॉइंट है क्रिप्ट्स ऑफ हेनले ये टार्सल कंजक्टिवा में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड्स म्यूसिन सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से कॉर्निया एंड कंजक्टिवा मॉइस्चराइज बनी रहती है। अब बात करते हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ग्लैंड्स ऑफ क्राउस। ये फॉर्निक्स के सब कंजक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू में होता है। अगला है ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रेम प्रेजेंट अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर टार्सस। तो अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, कंजक्टिवा की ब्लड सप्लाई की। तो इसमें आर्टरीज जो है इसकी 3 sources हैं। तो जिसमें से पहला है पेरिफेरल आर्टेरियल आर्केट ऑफ द आईलिड, दूसरा है मार्जिनल आर्केट ऑफ द आईलिड और लास्ट है एंटीरियर सीरली आर्टरीज। पेरिफेरल एंड मार्जिनल आर्टेरियल ऑफ द आईलिड की जो ब्रांच है वो पेल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड कंजक्टिवल फॉर्निक्स को सप्लाई देती। बल्बर कंजक्टिवा इसको 2 parts में रखा गया है जिसमें से पहला है पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरीज, इसको आर्टेरियल आर्केट ऑफ द आईलिड की जो ब्रांच है वो सप्लाई देती है। दूसरा है एंटीरियर कंजक्टिवल आर्टरीज, इसको एंटीरियर सीलरी आर्टरीज की जो ब्रांच है वो सप्लाई करती है। अब बात करते हैं वेन्स की। तो इसमें एंटीरियर सीलरी वेन्स जो होती है वो सप्लाई करती है। अगला है नर्व सप्लाई ऑफ द कंजक्टिवा। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कंजक्टिवा के सरकम कॉर्नियल जोन को ब्रांचेस ऑफ लॉन्ग सीलरी नर्व सप्लाई करती है जो कॉर्निया को भी सप्लाई करती है और कंजक्टिवा के बाकी हिस्सों को लैक्रिमल इंफ्राट्रोक्लियर सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल एंड फ्रंटल नर्व सप्लाई करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंजक्टिवा को समझा, उसके पार्ट को समझा, उसकी ब्लड सप्लाई, उसके नर्व सप्लाई को समझा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं ऑप्टोमेटिक से रिलेटेड कई सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ और मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। तो आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।